ये तस्वीरें संसद भवन में काम करने वाले अनेकों लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर तस्वीरें ली जा रही हैं, जिसकी तैयारी पहले से ही की गई है और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से प्रस्थान करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि परिसीमन के बाद आने वाले वक्त में जब ज्यादा सांसदों के लिए जगह बनेगी देश में, तो उनके बैठने के लिए पहले से व्यवस्था की जरूरत थी, इसीलिए नए संसद भवन को बनाना जरूरी था। ये भव्य तस्वीरें आप देख रहे हैं जो पार्लियामेंट स्टाफ के साथ अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री तस्वीर ले रहे हैं। उनके लिए भी खुशी का बड़ा दिन, जिस संसद में अनेकों साल से इस देश का काम चल रहा था वो अब पुरानी हुई और ये नए संसद भवन के आगाज का लम्हा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर और गृहमंत्री से वो मिलते हुए, नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्रियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और सभी का अभिनंदन स्वीकार करने के बाद बीजेपी अध्यक्ष भी उनके साथ प्रस्थान करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि जो सेंगोल महत्वपूर्ण हिस्से हैं इस संसद के, उन सबसे गुजरते हुए पीएम आगे जा रहे हैं। सबके साथ उन्होंने तस्वीर ली है और अगर आप फूलों की सजावट भी देखें तो मोर को ही थीम बनाया गया है। कमल के रूप में राज्यसभा का जिक्र पीएम ने किया, बरगद का पेड़ बीचों बीच, इसके बारे में डॉक्यूमेंट्री भी वहां पर एक वीडियो ऑडियो वीडियो भी दिखाया गया। हालांकि आपको बता दें दूसरी तरफ वो सियासत भी जारी है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियां एक के बाद एक हमलावर हैं। राहुल गांधी ने लिखा है कि ये पीएम भूल कर रहे हैं, नए पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन नहीं, वो इसे राज्याभिषेक समझ रहे हैं। वहीं सीताराम येचुरी ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नहीं होने पर प्रश्न खड़ा किया है। देश को मिली नई संसद अद्भुत है, बेमिसाल है, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस पूरे कार्यक्रम के समापन के बाद वहां से निकलते हुए हिंदुस्तान की पहचान नई संसद, जिसकी नई तस्वीर के साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग आधे घंटे से ज्यादा का अपना भाषण दिया, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि कैसे ये गर्व का वक्त है पूरे हिंदुस्तान के लिए, और सियासत से उनका ये संबोधन बिल्कुल दूर रहा। हालांकि तमाम विपक्षी पार्टियां राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के की गैर मौजूदगी पर प्रश्न खड़े कर रही हैं। सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट किया है, राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम इसे अपना राज्याभिषेक समझ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें, ये देखिए स्पीकर ओम बिरला और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी के लिए एक बड़ा दिन, मोदी सरकार में कई बार ऐसे लम्हे आए हैं जब खुद बीजेपी अध्यक्ष ने विपक्ष पर हमला बोला, गृहमंत्री ने बॉयकॉट को ओछी राजनीति कहा।